हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बनाएंगे कढ़ाई पनीर। तो गैस पे मैंने कढ़ाई रखी है और उसमें मैं 3 से 4 चम्मच डाल रही हूँ रिफाइंड ऑयल। और ऑयल आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, अगर आपको और भी कम पसंद है तो डाल सकते हैं। तेल गर्म होने के बाद मैं डाल रही हूँ 2 हरी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा और थोड़ा सा इसे तेल में मिक्स करेंगे ताकि इसका फ्लेवर जो है वो तेल में आ जाए। और अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 10-12 कलियाँ लहसुन की, 3-4 टुकड़े अदरक के और 3 हरी मिर्च को मैंने ऐसे टुकड़ों में काट लिया था। और बस इन सब चीज़ों को हमें डालने के बाद 5 मिनट तक ऐसे ही चलाते हुए भूनना है धीमी आंच पे। और यहाँ पे अब मैं इसमें डाल रही हूँ 10-12 काजू। काजू डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे हम थोड़ा सा चलाते हुए भूनेंगे। और यहाँ पे मैं इसमें डाल रही हूँ 2 बड़ी प्याज को, ऐसे रफली चॉप किया था। तो प्याज डालने के बाद अच्छे से हमें भून लेना है प्याज के साथ में। और उसके बाद हम इसमें डालने वाले हैं 3 मीडियम साइज़ के टमाटर को भी काट के। तो ये आप देख सकते हैं, प्याज डालने के बाद इसे हम थोड़ा सा भूनेंगे ताकि जो प्याज का कच्चापन है वो निकल जाए। और अब मैं इसमें टमाटर डाल रही हूँ। टमाटर को भी ऐसे ही मोटे टुकड़ों में काटा है। और टमाटर डालने के बाद मैं यहाँ पे अपने स्वाद के अनुसार नमक डाल रही हूँ 1 चम्मच, ताकि टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, नमक डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद इसे 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर कवर कर देना है। और 5 मिनट बाद इसका ढक्कन हटाया है मैंने। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, टमाटर जो है वो काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है, ये अच्छे से मतलब मिक्स हो रहा है। तो अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लूँगी और इसे ठंडा होने के बाद जब हम इसे ठंडा कर लेंगे तो इसका पेस्ट बनाना है। वापस से मैं कढ़ाई में 2 से 3 चम्मच डाल दूंगी रिफाइंड ऑयल। और ऑयल आप अपने हिसाब से ही डालिएगा, अगर आप कम खाना पसंद करते हो तो। हालांकि मैं भी बहुत ज़्यादा तो ऑयल नहीं यूज़ करती हूँ। ऑयल गर्म हो गया था तो उसमें मैं डाल दूंगी शिमला मिर्च। 2 शिमला मिर्च को मैंने ऐसे टुकड़ों में काट लिया था। और ये डालने के बाद इसे हमें थोड़ा सा भूनना है और बहुत ज़्यादा शिमला मिर्च को पकाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, शिमला मिर्च को मैं थोड़ी देर पकाई, उसके बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ प्याज। 2 मीडियम साइज़ की प्याज को भी मैंने ऐसे काट लिया था। और प्याज डालने के बाद हमें 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही लगातार चलाते हुए भूनना है। और यहाँ पे ये भून के तैयार हो चुका है, तो इसे मैं एक प्लेट पे निकाल ले रही हूँ। वापस से मैंने कढ़ाई में डाला है थोड़ा सा ऑयल और ऑयल को गर्म होने देंगे। और ऑयल हमारा जब गर्म हो जाएगा तो उसमें हम ये पनीर के क्यूब्स डाल देंगे।
तो यहाँ पे अब मैं इस पे पनीर के क्यूब्स को डाल दे रही हूँ और इसे हमें थोड़ा सा फ्राई करना है। फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो इसे मैरिनेट करके भी यूज़ कर सकते हैं इस रेसिपी में, मैंने नहीं किया है। मैं ऊपर से थोड़ा सा इस पे चाट मसाला स्प्रिंकल करूँगी जिससे इसका टेस्ट बढ़ जाएगा और ये पनीर का भी ना एक अलग ही लुक आएगा, आप देख सकते हैं आगे वीडियो में। तो यहाँ पे मैं इसे थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर रही हूँ और इसे हमें थोड़ा सा फ्राई करना है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने जो पनीर ली है वो बिल्कुल फ्रेश मलाई पनीर है, तो इसे पलटने में थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी क्योंकि ये बहुत जल्दी टूटने लगती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसे मैं बहुत ही संभाल के पलट रही हूँ। इसे हमें दोनों साइड थोड़ा थोड़ा फ्राई करना है। आप चाहें तो कच्चा पनीर भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे थोड़ा सा ऐसे फ्राई करके डालेंगे ना तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो बस ऐसे ही थोड़ी देर हमें इसे दोनों साइड अच्छे से फ्राई कर लेना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका कलर भी कितना चेंज हुआ है। तो अगर आपको चाट मसाला डाल के बनाना है तो इस रेसिपी को ट्राई करिएगा, बहुत टेस्टी बनेगी, नहीं तो आप इसे मैरिनेट करके भी बना सकते हैं। और पनीर हमारा काफ़ी अच्छे से फ्राई हो चुका है, तो अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल ले रही हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मैंने फ्राई किया था प्याज टमाटर काजू अदरक पेस्ट बनाने के लिए, वो पेस्ट हमारा बनके तैयार हो चुका था। तो मैंने गैस पे कढ़ाई रखी थी, उसमें तेल डाला और उसमें मैं एक चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाली हूँ और तुरंत ही ये जो मैंने पेस्ट बनाया था वो हम इसमें डाल देंगे और इसे भून लेंगे। फ्रेंड्स, याद रहे कि तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो तो आप लाल मिर्च का जब भी पाउडर डालें तो गैस को बंद कर दें, नहीं तो वो जल सकता है। इससे आपकी सब्ज़ी का टेस्ट भी ख़राब हो सकता है, कलर भी, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो मैंने पेस्ट तैयार किया था वो डालने के बाद इसे मैं लगातार थोड़ी देर चलाते हुए भूनूंगी ताकि जो ये लाल मिर्च का पाउडर इससे मैंने डाला है वो अच्छे से ये पूरे पेस्ट के साथ में मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसे मैं 2 से 3 मिनट तक भून रही हूँ, उसके बाद हम इसमें बाकी मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी और उसके बाद मैं इसमें 1/2 चम्मच के लगभग डालूँगी गरम मसाला। और गरम मसाला डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, इसमें मैं बाद में किचन किंग मसाला भी ऐड करने वाली हूँ और अगर आप चाहें तो किचन किंग मसाला या गरम मसाला दोनों से एक डालें, नहीं तो आप दोनों डाल सकते हैं जैसा कि मैंने डाला है। अगर आप दोनों डाल के बनाएंगे तो वाकई ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मसाला डालने के बाद इसे मैं चलाते हुए भून रही हूँ 2 से 3 मिनट और अब मैं इसमें डाल दूँगी 1/2 छोटा चम्मच किचन किंग मसाला। और मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आप किचन किंग मसाला भी इसमें लास्ट में ऐड करेंगे जैसे मैंने ऐड किया है तो ये सब्ज़ी आपकी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। और थोड़ी देर भूना मैंने, उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच कसूरी मेथी और थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कटा हुआ। बस इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है और थोड़ी देर भूनना है।
फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब भी मैं कोई ग्रेवी वाली सब्जी बनाती हूँ तो उसमें मैं मसालों के साथ में हरा धनिया डाल के भूनती हूँ। जो लोग मेरी वीडियो देखते होंगे उनको तो पता ही होगा, और जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो भी एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई करें। इससे हरे धनिए का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है आपकी ग्रेवी वाली सब्जी में। तो यहाँ पे मसाला हमारा काफ़ी अच्छे से भून के तैयार हो चुका था, तो अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी। जिस जार में मैंने इसका पेस्ट बनाया था उसी में मैंने पानी लेके उसे अच्छे से क्लीन किया है, और वो पानी मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ। और पानी डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, इस रेसिपी में पानी आपको बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि ये रेसिपी बहुत ज़्यादा, मतलब इसमें पानी डालने पे इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। तो बस आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे 1 से 1.5 कप के लगभग पानी डाली हूँ, और आप चाहें तो गर्म पानी भी डाल सकते हैं, नहीं तो नॉर्मल पानी भी। तो यहाँ पे जो शिमला मिर्च और प्याज को मैंने फ्राई किया था वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, और मिक्स करूँगी अच्छे से। और अब मैं जो पनीर मैंने फ्राई करके रखा था वो भी मैं इसमें डाल दूंगी, और पनीर डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेना है। और पनीर, शिमला मिर्च और प्याज जो मैंने डाला था, इन सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद उसके बाद इसे हमें कवर कर देना है कम से कम 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे, मीडियम टू लो फ्लेम पे रखना है। और 10 मिनट बाद इसका ढक्कन हटा के हम चेक कर लेंगे, और ये सब्जी हमारी काफ़ी अच्छे से पक रही है। तो आप चाहें तो 1 से 2 मिनट के लिए और इसे कवर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसे 2 मिनट के लिए और मैंने कवर किया था, और उसके बाद अब मैं इसका ढक्कन हटा दी हूँ, और ये सब्जी जो हमारी है वो बहुत अच्छे से बन के तैयार हो चुकी है। और ये आप देख सकते हैं इसका कलर भी कितना अच्छा आया है, और इसका इसकी जो खुशबू होती है वो भी बहुत अच्छी आ रही है। तो मैं इसे काफ़ी अच्छे से मिक्स कर चुकी हूँ, सब्जी हमारी पक के बिल्कुल तैयार है। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे, और गैस बंद करने के बाद इसे हम एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो यहाँ पे जिसमें मुझे सर्व करना है उसमें मैं इसे निकाल लेती हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये देखने में कितनी ज़्यादा यम्मी लग रही है, और वाकई में इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। और ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो एक बार इस तरीके से इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, और इस रेसिपी को आप रोटी, पराठे, नान के साथ में एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुकी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, और पसंद आएगा तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।